दोस्तों, आज का माहौल आपको देखकर पता चल रहा होगा कि हम क्या सीखने वाले हैं। तो ये सभी जो है नर्सरी से लाए हुए जो है पौधे हैं, तो आज हम इन्हीं के बारे में अच्छे से सीखेंगे। तो सबसे बात ये आ जाती है कि जब भी हम नर्सरी से पौधों को लेकर आते हैं तो उनको हमें कब जो है दूसरे पॉट में शिफ्ट करना है और कैसे करना है, ये सारे प्रोसेस को हम समझेंगे और क्या क्या इसमें हमें सावधानियाँ बरतनी है उनके बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, जब भी हम नर्सरी से पौधों को लेकर आते हैं तो पौधा जो हमारा होता है वो स्ट्रेस कंडीशन में होता है, क्योंकि जो नर्सरी का क्लाइमेट होता है वो क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो अलग होता है, और अब जब घर पे लाते हैं तो घर का जो क्लाइमेट कंडीशन होता है वो अलग हो जाता है। तो आपको ध्यान ये रखना है, जब भी आप नर्सरी से पौधे को लेकर आएँ तो उनको लगभग 4 से 5 दिन तक आप अपने घर पर उनको आपके क्लाइमेट में कंडीशन में अडाप्ट होने दें, और उस ड्यूरेशन आपको क्या करना है वो आप जानिए, मैं बता रहा हूँ। उसमें आपको ध्यान ये रखना है, पौधों को हमेशा मतलब प्रॉपर वे में उसे पानी देते रहना है। पानी आप देते रहेंगे तो जब पौधा स्ट्रेस कंडीशन में होता है तो उसमें उसकी जो रूट्स होती हैं, रूट्स के थ्रू वो ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। तो जब भी आप पानी देते रहेंगे अगर पौधों को प्रॉपर वे में, तो आपका पौधा जो है मिनरल्स को रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करता रहेगा और हेल्दी रहेगा। तो आप प्रॉपर पानी देते रहें। दूसरी चीज़ आपको ध्यान ये रखना है, आप उसे डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल ना रखें, क्योंकि आप डायरेक्ट सनलाइट में अगर रखेंगे तो भी पौधे के लिए समस्या की बात है। तो आप उसे जो है पर डे 2 से 3 घंटे जो है सुबह की जो धूप है उसमें रखें, और फिर उसको आप छाँव में रख दें। तो आप डायरेक्ट सनलाइट से पौधों को बचाएँ, तो ये आपको करते रहना है। लगभग ये प्रोसेस जो है 4 से 5 दिन तक आपको करते रहना है। उसके बाद ही पौधों को दूसरे गमले में आपको जो है ट्रांसफ़र करना है, दूसरे पॉट में आपको शिफ्ट करना है। आप लगभग 4 से 5 दिन तक यह प्रोसेस करें जिससे आपका पौधा हेल्दी ग्रो हो। तो ये सारी चीज़ें अब हम जानेंगे कि ये सारा प्रोसेस जो है हम कैसे पौधों को ट्रांसफ़र करें दूसरे पॉट में। और एक बात और ध्यान रखनी है कि गमले का चुनाव ऐसा करना है कि आपका जैसा पौधा हो, आपका अगर छोटा पौधा है तो उसी हिसाब से आपको छोटे गमले का चुनाव करना है। अगर आपका बड़ा, जैसे आपका ये रबर का प्लांट है, तो रबर के प्लांट के लिए बड़े ही गमले की आवश्यकता होगी, तो आपका बड़ा गमला ही चाहिए। अगर छोटा कोई पौधा है तो छोटे गमले का आप चुनाव करें, क्योंकि बहुत छोटे पौधे के लिए अगर बड़े गमले का आप चुनाव कर लेंगे तो उसमें बहुत सारा जो मिट्टी होगा और उसमें मॉइस्चर होगा, तो पौधे का जो है रूट्स के सड़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आपको पौधों के हिसाब से गमले का चुनाव करें। अब हम देखते हैं कि हम कैसे जो है पौधों को दूसरे गमले में शिफ्ट करें, ये प्रोसेस को समझते हैं। दोस्तों, ये हमारा रबर का प्लांट है, तो आप इसको देखिए हम कैसे इसको रिपोर्ट करते हैं। इस पॉलीथीन को आपको ऐसे जो है हटा देना है। अब हमें करना क्या है दोस्तों, ये जो है इस मिट्टी को थोड़ा ढीला कर लेना होगा आपको। तो आप ऐसे अगर डायरेक्टली इसको मिट्टी को हटाएंगे तो इसमें बहुत सारी रूट्स हैं, आप देख पा रहे होंगे ये जो रूट्स हैं ये डैमेज हो जाएंगी, तो आपको इनको डैमेज नहीं करना है। और रूट प्रूनिंग भी किया जाता है क्योंकि पौधे को सॉर्ट बनाने के लिए, तो ये तो बात की बात है। लेकिन पहले हम इसको जो है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे रूट काफ़ी जो है बाउंड हो गई हैं इसकी, तो आप ऐसा करिए, इसको जो है आप ऐसा एक बकेट लीजिए, बाल्टी लीजिए, और उसमें पानी में पौधों को ऐसे डाल दीजिए कुछ समय के लिए, क्योंकि आप अगर डायरेक्टली ऐसे हाथ से इसको हटाएंगे तो इसके जो रूट्स हैं वो डैमेज हो जाएंगे, तो आपको ऐसा नहीं करना है। इसको ऐसे पानी में डाल दीजिए कुछ समय के लिए। दोस्तों, लगभग 5 मिनट के आसपास हो गया है, अब इसकी मिट्टी जो है काफ़ी सॉफ्ट हो गई होगी, तो इसको जो है हम हटा के अब इसकी मिट्टी को हम थोड़ा ढीला कर देंगे जिससे कि इसमें प्रॉपर एरेशन हो और पौधा अच्छा ग्रोथ करे। इसको थोड़ा स्मूथली आपको ऐसे मिट्टी को हटा देना है। ये नर्सरी की मिट्टी जो होती है इसमें एक क्ले मिट्टी होती है, और एक बार फिर आप इसको पानी में जो है दोस्तों देख पा रहे होंगे बहुत ही अच्छा हमारा जो है इसमें बहुत सारी रूट्स निकलेंगे। लेकिन आपको एक ध्यान आपको ये रखना है, जो ये रूट बॉल्स का अंदर की जो मिट्टी है, जो अंदर की मिट्टी आपको दिख रही होगी, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी रूट्स अंदर होती हैं। तो इस मदर जो है सॉइल को नहीं डिस्टर्ब करना है, इसको ऐसे लगा रहने देना है। और आप ये रबड़ का प्लांट है तो आपको जो है इसकी जो काफ़ी जो उस टाइप की रूट्स हैं, बहुत सारी रूट्स हैं, इनको थोड़ा बहुत कट भी कर सकते हैं, क्योंकि रूट प्रूनिंग से होता क्या है, रूट प्रूनिंग से पौधा जो है ड्वार्फ हो जाता है, ड्वार्फ करने के लिए भी किया जाता है रूट प्रूनिंग। तो आप इसमें कुछ जो रूट पोर्शन को कट भी कर सकते हैं, सभी पौधों में नहीं करना है, लेकिन ये रबर का प्लांट है तो हम इसमें कर रहे हैं। अभी हमारा जो है पौधा
जो है दूसरे पॉट में शिफ्ट करने लायक तैयार हो गया है। तो हम इसके लिए ये लगभग जो है 12 इंच का पॉट है, तो हम इसको जो है सेलेक्ट करते हैं। अब हमें करना चाह रहे होंगे ये जो गमले में ये जो ड्रेनेज होल है, तो आपको ऐसे ड्रेनेज होल जो है गमले में इसको सही कर लेना है, और फिर इस ड्रेनेज होल में आपको ये कंक्रीट डाल देना है। कंक्रीट डालने से ये होगा, क्योंकि आप डायरेक्टली अगर इसमें मिट्टी डालेंगे तो ये आपके होल बंद होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आपको कोई भी जो है ऐसे कंक्रीट आप डाल दीजिए नीचे सतह पर, जिससे कि आपके ड्रेनेज होल मिट्टी से बंद ना हो। उसके बाद थोड़ा सा अगर आपके पास कोकोपीट है तो सतह पर ही कोकोपीट डाल दीजिए, जिससे कि नीचे का सतह हमेशा पोरस रहे और ड्रेनेज अच्छे से हो। अब हम इसमें जो है जो हमारा पॉटिंग मिक्सचर रेडी है तो उसमें फिल करेंगे। पॉटिंग मिक्सर का हमने वीडियो अपने चैनल पे बना रखा है, तो उसको आप ज़रूर देखें कि अच्छा पॉटिंग मिक्सर कैसे बनाएं। तो ये पॉटिंग मिक्सर जो है हमने भर दिया। अब हमें करना क्या है, इसमें पूरा फुल नहीं करना है, थोड़ा आधा से कम ही रखना है पौधे के हिसाब से। अब इसको पौधे को सेंटर में रख के फिर आप इसको ऊपर से मिट्टी को ऐसे ही भर दीजिए इसे। ये हमारा जो है पॉट दूसरे पॉट में शिफ्ट हमने कर दिया। ये पूरा प्रोसेस जो है हमारा फाइनल हुआ। इसमें पानी डालेंगे ऐसे ही, ऐसे पानी आपको डालते रहना, जब तक आप डालते रहें जब तक नीचे जो है जो आपका ड्रेनेज होल है वहाँ से पास होने ना लगे। ड्रेनेज होल जो है वहाँ से पानी अब पास होने लगा, यानी पूरा जो है पानी पूरे सॉइल मिक्सर में फैल चुका है। तो ये हमारा जो है प्रोसेस रेडी हुआ। ऐसे ही जितने भी पॉट्स हैं सब काम करेंगे। ये देख पा रहे होंगे मिट्टी का गमले में ये पौधा है, इसमें पहले हमने जो है पानी डाल दिया था जिससे मिट्टी ढीली हो जाए। दोस्तों ये एरोकेरिया का पौधा था, इसको भी हम दूसरे पॉट में शिफ्ट करेंगे, तो जैसा प्रोसेस उसमें हमने किया सेम प्रोसेस इसमें भी अपनाएंगे। अब देख पा रहे होंगे इसको भी हमने पानी में रख के इसकी मिट्टी को साफ कर दिया है। अब इसे भी मिट्टी को ऐसे ही निकाल देना है। आपकी जो रूट बॉल के अंदर की मिट्टी है उसको बिल्कुल मत डिस्टर्ब करिए, बाकी इधर की मिट्टी जो साइड की मिट्टी है उसको हटा दीजिए। अब इसको भी आप जो है रिपोर्ट कर सकते हैं, तो ये छोटा पौधा है उसी हिसाब से हम इसको रिपोर्ट करेंगे। नीचे कंक्रीट जैसे हमने उसमें प्रोसेस अपनाया था सेम प्रोसेस है इसमें भी अपनाएंगे, और थोड़ा सा कोकोपीट की सतह थोड़ा पोरस बने रहे और ड्रेनेज अच्छा हो, और फिर इसमें थोड़ी मिट्टी डालेंगे पौधे को अपने सेंटर पोर्शन में करके इसको भी ऐसे फिल कर लेना है। दोस्तों ये थूजा का प्लांट है, और इसको ही सेम प्रोसेस के द्वारा ऐसे ही रिपोर्ट करेंगे, दूसरे पॉट में शिफ्ट करेंगे। लगभग 5 मिनट तक आपको पानी में रखना है जिससे मिट्टी सॉफ्ट हो जाए। फिर मिट्टी को आपको हटाइए, रूट बॉल्स के अंदर की मिट्टी है उसको बिल्कुल मत हटाइए, और साइड की मिट्टी को भी हटा दीजिए आप। तो जैसे सारे प्रोसेस जैसे प्लांट को हमने रिपोर्ट किया उसी प्रोसेस उसी हिसाब से इसको भी रिपोर्ट करेंगे। दोस्तों ये जो है डिफेनबैकिया का जो है प्लांट है, ये भी एक इंडोर प्लांट ही है। इसको भी ऐसे जैसे हमने सभी पौधों को किया वैसे इसको भी रिपोर्ट करना है, दूसरे पॉट में शिफ्ट करना है। देख पा रहे हैं बहुत अच्छी जो है रूट्स निकली हुई हैं।
तो इसमें भी हम कंक्रीट डालेंगे जिससे कि ड्रेनेज अच्छा रहे, ड्रेनेज होल बंद ना हो। आप इस तरीके से कंक्रीट आप डालिए और थोड़ा सा इसी पे अगर हो आपके पास तो कोकोपीट डाल दीजिए, जैसे समय जो प्रोसेस हमने किया उसी प्रोसेस रिपीट करें। देख सकते हैं बहुत ही अच्छा जो है रूट्स इसमें निकल आई हैं इसके। लेकिन ये जो है मदर सॉइल जो भी है, जो रूट बॉल्स पे जो भी सॉइल है उसको आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है। फिर आप इसको ऐसे सेंट्रल पोर्शन पे रख के नर्सरी से लाए हुए पौधों को हम कैसे और कब जो है दूसरे पॉट में शिफ्ट करें, तो इस जो भी प्रोसेस हमने पूरा प्रैक्टिकल करके बताया, ऐसे आप करके एक बहुत ही जो है अच्छे तरीके से आप पौधों को रिपोर्ट कर सकते हैं। और इन ऐसे प्रोसेस से आपका पौधा जो है बहुत ही हेल्दी ग्रो होगा।